बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पहला टॉपिक बताइए, इसका कौन सा है हमारे पास? हाँ जी, डेफिनेशन है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की होगी? हाँ जी, एनाबॉलिज्म की, ठीक है। पहले डेफिनेशन हमारे पास मेटाबॉलिज्म की है। मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। तो ये पहली डेफिनेशन ये आ गई कि मेटाबॉलिज्म जो है ये सेट है उन बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। जितने भी रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस किसी जानदार के जिस्म में हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म इज सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो प्रोसेस हमें चाहिए, जो रिएक्शन जिंदगी को बरकरार करने के लिए हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। यही हम इधर देखते हैं। मेटाबॉलिज्म इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम है जो जानदारों में ज़िंदगी की बका के लिए हो रहे होते हैं, यानी जानदारों में ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो रिएक्शन हो रहे हुए हैं, जैसे ग़िज़ा वो लेते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो तमाम तर प्रोसेस जिसमें जो है वो ज़िंदगी की बकाव हो रही हो, जिसके ज़रिए जो अब ज़िंदगी चल रही हो आगे, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे उस खाने के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाना हो, उसके बाद उससे एनर्जी हासिल करनी हो, उससे उस जिस्म के हिस्से बनाने हो, ख़राब सेल को ख़त्म करके नए सेल उस जगह लानी हो, तो जितने भी रिएक्शन जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं उस सब को मिला के हम कहते हैं कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अब इसको दो हिस्सों में तब्दील किया जाता है, तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, एक कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल हैं जिनमें बड़े मालिक्यूल बनाए जाते हैं। तो छोटे मालिक्यूलों से बड़े मालिक्यूल बनाए जाने का जो अमल है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म में वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल हैं जिनमें बड़े मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। बड़े मालिक्यूल बनाए जाने का जो अमल है उसे हम कहते हैं ये एनाबॉलिज्म है। जबकि इसके बरस कैटाबॉलिज्म में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल हैं जिनमें बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। तो जब बड़े मालिक्यूलों को तोड़ने का जो अमल है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जबकि छोटे मालिक्यूलों को जोड़ के बड़े मालिक्यूल बनाने का जो अमल है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो इसकी डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, ये देखो बैठा इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक मजमुआ है, दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म हो गया ना, एनाबॉलिज्म को हमने देखना है। तो कह रहा है कि एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मालिक्यूल आर सिंथेसाइज, वाइल कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मालिक्यूल आर ब्रोकन डाउन। कहता है एनाबॉलिज्म वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें बड़े मालिक्यूल जो हैं वो बनाए जाते हैं, इन छोटे मालिक्यूलों को मिला के बड़े मालिक्यूल बनाए जाते हैं। और कैटाबॉलिज्म में वो बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें बड़े मालिक्यूलों को तोड़ दिया जाता है और उनके तोड़ने से जो है वो छोटे मालिक्यूल बना दिए जाते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद एक डेफिनेशन और भी है, ये डेफिनेशन कह लेंगे ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि एंजाइम जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं इसके अंदर। एंजाइम मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं और उनको बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको अंडरलाइन कर लें। एंजाइम को हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं जो किसी अमल को तेज़ कर दे, उर्दू में से कहते हैं अमल अंगेज, अमल को तेज़ करने वाला। जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा शर अंगेज, शर अंगेज है जो शर फैलाने वाला हो, शर को तेज़ करने वाला हो, खराबी को तेज़ करने वाला हो, ठीक है जी। तो इसी तरह अमल अंगेज का मतलब जो अमल को तेज़ कर रहा हो। तो बायो कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन या आप कह लें मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर रहे हो, तमाम तो केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर रहे हो, उनको हम कहते हैं कि ये बायो कैटलिस्ट है। डिस्प्ले आ रहा है सबको, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। हाँ जी, इधर बायो वाला बच्चा जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने एंजाइम जो उसकी डेफिनेशन भी देखनी है और उसके बाद आपने देखना है कि वो किस पे अमल करता है और क्या उससे बनता है, वो भी हम देखेंगे। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम वो प्रोटीन है दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कैटलाइज करे, जो तेज़ कर दे। मैंने पहले बताया था कैटलाइज अमल अंगेज उसको कहते हैं, तेज़ करने वाला, जो स्पीड अप कर दे, सादा लफ्ज़ में बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ कर दे। एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ख़ुद जो है वो तब्दील ना हो, यानी ऐसी वो चीज़ है जो अमल को तो तेज़ कर दे लेकिन ख़ुद इस्तेमाल ना हो। मिसाल के तौर पे दो लोगों के दरमियान बहस हो रही है और उस बहस का बायस वो चुगल खोर है, इसने चुगली लगाई एक आदमी के दूसरे के साथ,
अब वो दोनों आदमी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे का सर फाड़ दें, नुकसान करें, लेकिन चुगलखोर आदमी जो है वो साइड पे रहे, उसको किसी को पता भी ना चले, तो इसका मतलब जिसने वो अमल तेज़ करवाया वो निकल गया बीच में से, उसको कुछ भी नहीं हुआ लेकिन अमल वो तेज़ करवा गया है। तो इसी तरह यही होगा कि अंजाइम जो है वो अमल को तेज़ कर देते हैं, लेकिन उसके नतीजे में, अमल के तेज़ करने के नतीजे में जो है वो ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते। तो ये उसने कहा एंजाइम्स और प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स हैं दैट आर कैटलाइज, दैट कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ करती हैं, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान जो है ये तब्दील नहीं होती, खुद तब्दील जो है वो नहीं होती, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसके बाद सबस्ट्रेट की डेफिनेशन, द मालिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट, वो मालिक्यूल जिस पर एंजाइम अमल करे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, उनको सबस्ट्रेट कहते हैं, एंड द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स देम इनटू एंड कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मालिक्यूल आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये इतना क्लियर नहीं कहा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बेहतर है खुद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बल्कि सबस्ट्रेट की ठीक है, प्रोडक्ट की मैं आपको लिख देता हूँ, प्रोडक्ट की सही नहीं लिखी हुई इन्होंने, प्रोडक्ट की लिखवाई हुई, क्या लिखवाई हुई बताइए जरा मुझे। हाँ जी, एंजाइम आफ्टर आफ्टर बायोकेमिकल रिएक्शन कन्वर्ट सबस्ट्रेट मालिक्यूल इनटू न्यू मालिक्यूल कॉल्ड प्रोडक्ट, तो ये ठीक है, ये उर्दू में भी लिखी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, क्या लिखी हुई पढ़ लेता कि देख, एंजाइम बायो, ये लिख रहे उर्दू वाला बच्चा जो है, एंजाइम बायोकेमिकल सबस्ट्रेट की डेफिनेशन सही नहीं लिखी हुई, पेपर में आ जाती है, एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद, एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट मालिक्यूल को नए मालिक्यूल में तब्दील कर देता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। मैं तो लिख ही देता हूँ, बल्कि आपको शायद लिखना ना है, एंजाइम ये सबसे प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। एंजाइम सब्सट्रेट मालिक्यूल पर बायोकेमिकल रिएक्शन करके नए मालिक्यूल में तब्दील कर देता है जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, उधर को इतनी क्लियर नहीं लिखी हुई थी तो इसलिए आ सही है, अलग से डेफिनेशन आ गई आपके पास। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, इसको उर्दू में भी देख लेते हैं, उर्दू में दोनों बता दी हुई हैं आपको, कि सबसे पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार इधर से, एंजाइम ऐसी प्रोटीन्स है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती है और रिएक्शन के दौरान खुद तब्दील नहीं होती, तो ये एंजाइम की डेफिनेशन है कि ऐसी प्रोटीन्स। अब यहाँ से एक बात और हमें पता चल गई, एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स होती है, ठीक है जी, तो ये हमें देखना है एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स है, एंजाइम ऐसी प्रोटीन है, एंजाइम ऐसी प्रोटीन्स है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती है और रिएक्शन के दौरान खुद तब्दील नहीं होती, खुद उसने तब्दील नहीं होना, बायोकेमिकल रिएक्शन उसने करना है, खुद तब्दील नहीं होना, इसको हम कहते हैं एंजाइम है। अब वो मालिक्यूल जिन पर एंजाइम असरअंदाज होते हैं सबस्ट्रेट कहलाते हैं, और वो मालिक्यूल या सबस्ट्रेट के वो मालिक्यूल जिन पर एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन करके उन्हें प्रोडक्ट नए मालिक्यूल में तब्दील करते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये दी हुई है, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मकदार, कम अज़ कम मकदार टू स्टार्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन है, बेसिकली इसकी जो सही डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, या रिएक्शन भी लिख दें तब भी ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो कम अज कम मकदार रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इसकी जरूरत है। एक लाइन और ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपने पढ़नी है ये वाली, द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी
एक्ट्स एज ए बैरियर, जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है ये बैरियर के तौर पर, रुकावट के तौर पर काम करती है टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। यानी जितना आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास ज़्यादा आपको जरूरत होगी उतना ही रिएक्शन देर से शुरू होगा। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रुकावट बन रही है अमल के दौरान। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन देर से होगा। एंजाइम इसी एक्टिवेशन एनर्जी पे काम करता है और क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोड कर देता है। यानी फ़र्ज़ करें एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसी रिएक्शन को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 500 जौल है। अब 500 जौल बहुत एनर्जी है, उतनी मिल नहीं रही। एंजाइम जैसे ही आता है उस एनर्जी को 500 जौल से 150 जौल पे तो डील कर देता है। अब 150 जौल आसानी से मिल जाती है तो थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी के साथ काम पूरा हो जाता है। तो एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही डिक्रीज करता है। तो दो लाइनें अपने याद करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज अ बैरियर, ये बैरियर के तौर पर काम करता है टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्टार्ट के लिए, यानी रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक बैरियर के तौर पर जो है वो काम करता है। उर्दू में देख लेते हैं। इसके बाद एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, कैसे कर सकता है। दे मे आल्टर द शेप ऑफ द सब्सट्रेट, वो सब्सट्रेट की शक्ल बदल सकता है एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। या तो सब्सट्रेट की शक्ल ऐसे बदल देगा कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, या वो उसकी एनर्जी के ऊपर ही एक्ट करके एनर्जी कम करवा देगा उसकी। दोनों तरीकों में से किसी में कर सकता है। सम एंजाइम डू सो बाय डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब्सट्रेट। बाज़ एंजाइम ऐसे करते हैं कि जो चार्ज हल हो, चार्ज मौजूद होता है सब्सट्रेट के ऊपर उसके अंदर तब्दीली पैदा कर देते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, शक्ल बदल देते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देते हैं। उर्दू में भी इसको देख लेते हैं। कहते हैं एंजाइम कई तरीकों से एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, ठीक है जी। कैसे कम करता है, वो सब्सट्रेट की शक्ल बदल देता है, तब्दील कर देता है, कर सकता है। इसके अलावा इस तब्दीली के लिए एनर्जी की जरूरत कम कर सकते हैं। कुछ एंजाइम सब्सट्रेट में मौजूद चार्जेस की तकसीम में खलल डालकर ऐसा करते हैं, चार्ज की तकसीम में खलल पैदा कर देंगे, उससे एनर्जी कम चाहिए होगी उनकी। एंजाइम सब्सट्रेट पर अमल करने के लिए दुरुस्त सिमत और मकाम पर लाकर भी एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। एक तरीका और भी है कि उसको राइट डायरेक्शन में ले आता है और उससे भी एक्टिवेशन एनर्जी जो है। दोबारा से देख लें, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करता है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है उसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ। इसी तरह उर्दू में एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ, ये तीन लाइनें जो हैं उसका आंसर है, ठीक है जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है, हाउ एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कैसे कम करता है। बेटा मैथ का टेस्ट कर लो बैठ के, टेस्ट नहीं देना आपके, तेईस टेस्ट नहीं होने आपके, बात कर लिए आपने उनसे। अच्छा, तो एंजाइम कई तरीकों से, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट है ना हमारा जो मंडे वाले दिन कंप्यूटर का लेक्चर है, जाहिर भाई एक दिन बायो होती है एक दिन कंप्यूटर होता है, तो उस लिहाज से आपने देखना। एंजाइम कई तरीकों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, वो सब्सट्रेट की शक्ल तब्दील कर देते हैं। इसी तरह इस तब्दीली के लिए एनर्जी की जरूरत कम कर सकते हैं। कुछ एंजाइम सब्सट्रेट पर मौजूद चार्जेस की तकसीम में खलल पैदा करते हैं और एंजाइम सब्सट्रेट पर अमल करने के लिए दुरुस्त सिमत और मकाम पर ले आता है, इससे भी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अब एंजाइम की क्लासिफिकेशन की दो डेफिनेशनें हैं। एंजाइम को जिस जगह वो काम करते हैं उसकी बुनियाद पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एंजाइम इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। इंट्रा का मतलब है विदिन, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के वक्त मैंने बताया था विदिन कहते हैं। तो इंट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर जो फोर्सेज पाए, सेल के अंदर जो एंजाइम अमल करे उसे इंट्रा सेलुलर एंजाइम कहेंगे, और सेल से बाहर जो जो अमल करे उसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है जी। तो जैसे उसने बताया है दे मे बी इंट्रा सेलुलर, इसकी डेफिनेशन मैं ज्यादा लिख देता हूँ आपको, ज्यादा बेहतर यानी से लिखी हुई। वो एंजाइम जो सेल के अंदर रह के काम करते हैं वो इंट्रा सेलुलर एंजाइम कहलाते हैं, और वो एंजाइम जो सेल से बाहर रह के काम करते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर
एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहलाते हैं। इसी तरह मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, वो एंजाइम द एंजाइम दैट रिएक्ट विद इन ए सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम। और एक्स्ट्रासेलुलर की हम यहीं से बना लेते हैं, वो एंजाइम जो सेल से बाहर अमल करते हैं आउटसाइड ए सेल, एंजाइम दैट अटैक आउटसाइड ए सेल आर कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। तो इंट्रासेलुलर की डेफिनेशन भी आ गई, एक्स्ट्रासेलुलर की डेफिनेशन भी आ गई। द एंजाइम दैट रिएक्ट्स विद इन ए सेल, वो एंजाइम जो सेल के अंदर अमल करते हैं आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम, आर कॉल्ड उन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम कहा जाता है। और वो एंजाइम जो सेल से बाहर काम करते हैं, द एंजाइम दैट रिएक्ट्स आउटसाइड ए सेल, उस सेल से बाहर रिएक्ट करते हैं आर कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम, उसको हम एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। तो वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं वो इंट्रासेलुलर है, और वो एंजाइम जो सेल से बाहर काम करते हैं वो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम जो हैं ये हमारे पास हैं। उर्दू में बता दिया, वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं इंट्रासेलुलर हैं, और वो एंजाइम जो सेल से बाहर रह के काम करते हैं वो इंट्रासेलुलर हैं, दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर है जो बाहर काम करता है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर भी हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है जी, सिलेबस में है ये, ठीक है। तो 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कोने ने फर्स्ट टाइम एंजाइम की टर्म इस्तेमाल की है। सबसे पहले एंजाइम की टर्म किसने इस्तेमाल की, 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं जो जिस्म के काम करने के अमल पे जो है वो स्टडी कर रहा हो, विलियम कोने जो है उसने ये एंजाइम की टर्म जो है वो इस्तेमाल की है। एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक ऑल प्रोटीन, एंजाइम आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल। एंजाइम तमाम प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन्स हैं, लंबी चेन वाली, यानी लंबी लंबी चेन वाली अमीनो एसिड की प्रोटीन बनी हुई है, और ये आपस में रोल करके एक दूसरे के साथ फोल्ड बना के आखिरकार थ्री डायमेंशनल तीन रुखे मॉलिक्यूल बनाती है। उर्दू में देखते हैं, 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कोने ने जो है पहली मरतबा इस्तला एंजाइम इस्तेमाल किया। सबसे पहले लफ्ज एंजाइम जो है उसने इस्तेमाल किया। एंजाइम गोल शक्ल की यानी ग्लोबुलर प्रोटीन है, तमाम प्रोटीन्स की तरह एंजाइम भी अमीनो एसिड की लंबी सीधी चेनों के बने होते हैं। ये जंजीरें तह लगाकर तीन रुखे यानी थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनाती हैं। लंबाई में भी बनता है, चौड़ाई में भी बनता है, ऊंचाई में भी बनता है, तीन रुखे जो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम एक एक करके हम देखते जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। तो पहली खसूसियत यह कि तमाम एंजाइम जो है प्रोटीन है अमीनो एसिड के बने हुए हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शंस रेट आर मिलियन टाइम्स फास्टर देन दोस कंपेयर्ड अनकैटलाइज रिएक्शन, एज विद ऑल कैटलाइज एंजाइम आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन दे कैटलाइज। कहते हैं जो वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम इस्तेमाल होता है उसकी रफ्तार लाखों गुना ज़्यादा तेज़ होती है उस रिएक्शन की निस्बत जिसमें एंजाइम को इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये भी देखा जाता है कि एंजाइम खुद इस्तेमाल नहीं होते रिएक्शन के अंदर, ये मैं स्टार्ट उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, वो रिएक्शन को तेज़ करते हैं लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होते। एंजाइम आर यूजली स्पेसिफिक, वो मखसूस होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, अपनी रिएक्शन के लिए, एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सब्सट्रेट, अपने सब्सट्रेट की हालत के लिए, यानी एंजाइम मखसूस होते हैं इन चीज़ों के लिए। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस, एंजाइम का एक बहुत छोटा हिस्सा कैटालाइसिस में अमल करता है, यानी पूरा एंजाइम अमल नहीं करता, छोटा सा हिस्सा करता है। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट, तो ये एक्टिव साइट है, इसकी डेफिनेशन है कि एंजाइम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो रिएक्शन में अमल करता है और इसी को हम एक्टिव साइट कहते हैं। इट रिकोगनाइजेज एंड बाइंड सबस्टेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन, ये रिकोगनाइज करता है, पहचान करता है और जोड़ लेता है सबस्टेट को, फिर रिएक्शन करवाता है। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस्ड और डिमिनिश्ड बाई ए सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स, एंजाइम की पैदावार को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है जरूरत के तहत। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो भी रेगुलेटेड बाई इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स, तो एंजाइम की एक्टिविटी को हम कम भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं इनहिबिटर की मदद से और एक्टिवेटर की मदद से। एक्टिवेटर वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को तेज़ कर देते हैं, मदद करते हैं और तेज़ कर देते हैं। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो हम इनहिबिट भी कर सकते हैं और एक्टिवेट दोनों काम कर सकते हैं।
सम एंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कॉम्पोनेंट टू वर्क, बाज एंजाइम को किसी इजाफी हिस्से की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए, हाउएवर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मालिक्यूल और आइंस का को फैक्टर, जबकि बकिया को नॉन प्रोटीन मालिक्यूल चाहिए होते हैं, ऐसे मालिक्यूल जो प्रोटीन नहीं है, एंजाइम खुद प्रोटीन है लेकिन उनको जो मदद जिनसे चाहिए वो नॉन प्रोटीन है, काल को फैक्टर कहते हैं, को फैक्टर कैन बी इधर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, को फैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इफ ऑर्गेनिक को फैक्टर टाइटली बाउंड टू एंजाइम, अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर को मजबूती के साथ जोड़ा गया एंजाइम के साथ दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक होते हैं, प्रोस्थेटिक होते हैं, ठीक है जी। तो क्या है को फैक्टर की डेफिनेशन हमने यहाँ से करनी है कि को फैक्टर वो नॉन प्रोटीन मालिक्यूल है जिनसे जुड़ा जाता है, अब को फैक्टर तो इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है, अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर को टाइटली बाउंड किया जाए मजबूती से जुड़ा जाए तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन है, इफ ऑर्गेनिक को फैक्टर लूजली अटैच विद एंजाइम दे आर कॉल्ड कोएंजाइम, तो कोएंजाइम कहते हैं, अगर मजबूती से जुड़े तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगर हल्के जुड़े हुए कमजोर जुड़े हुए तो कोएंजाइम है, कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स ऑफ वन एंजाइम टू अनदर, कोएंजाइम केमिकल ग्रुप को एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल करता है, सम इंपॉर्टेंट विटामिंस एक्ट एज अ कोएंजाइम, कुछ अहम विटामिंस कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं, सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, बहुत सारे एंजाइम आपस में मिलकर काम करते हैं, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज और पाथवेज बनाते हैं, इन अ रिएक्शन में द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम प्रोडक्ट नेक्स्ट एंजाइम तक जो है वो भेजा जाता है। इसको मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ, तकरीबन तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं यानी वो माइनोसाइट के बने हैं, एंजाइम के साथ रिएक्शन की रफ्तार उनके बगैर होने वाले रिएक्शन की निस्बत लाखों गुना तेज़ होती है, तमाम कैटलिस्ट की तरह एंजाइम भी रिएक्शन में इस्तेमाल होकर ख़त्म नहीं होते, एंजाइम रिएक्शन की किस्म और सबस्ट्रेट की नवयत के मुताबिक के लिहाज से आमतौर पर मखसूस होते हैं, यानी वो जिस काम के लिए वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के लिए वो एंजाइम बना उसी को वो करेगा किसी और को नहीं करेगा, एंजाइम के मालिक्यूल का छोटा सा ही हिस्सा कैटालिसिस में शामिल होता है, इस हिस्से को एक्टिव साइट कहते हैं, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की पहचान करती है और उसके साथ जुड़ जाती है और फिर उसका रिएक्शन करवा देती है, सेल एंजाइम बनाने को जरूरत के मुताबिक तेज़ या आहिस्ता कर सकता है, एंजाइम के काम को इनहिबिटर और एक्टिवेटर की मदद से बाकायदा बनाया जाता है, बाकायदा का मतलब है अगर तेज़ करना है तो एक्टिवेटर आएगा, अगर स्लो करना है तो इनहिबिटर आएगा, चंद एंजाइम को अपनी मुकम्मल सलाहियत दिखाने के लिए इजाफी अज्जा की ज़रूरत नहीं होती, तहम दूसरे एंजाइम काम करने के लिए नॉन प्रोटीन मालिक्यूल चाहते हैं जिन्हें को फैक्टर कहा जाता है, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन मालिक्यूल एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे उन्हें को फैक्टर कहेंगे, अब ये को फैक्टर मजबूती से जुड़ा होगा या हल्का जुड़ा होगा कमजोरी से जुड़ा होगा कमज़ोर जोड़ से जुड़ा होगा, तो ये को फैक्टर ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक, ठीक है जी। जब ऑर्गेनिक को फैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से बंधे हों तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं, और अगर ये एंजाइम के साथ कमज़ोर जोड़ बनाएं तो को एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक पहुंचाते हैं, एम विटामिंस को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, मसलन राइबोफ्लेवन थायामीन और फॉलिक एसिड ये विटामिंस हैं और ये को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, बहुत से एंजाइम खास तरतीब से जुड़ते हैं और मेटाबॉलिक सिलसिले बनाते हैं, एक मेटाबॉलिक सिलसिले में एक एंजाइम किसी एंजाइम के पैदा करता प्रोडक्ट को अपने सब्सट्रेट के तौर पर लेता है और उसका रिएक्शन करवाने के बाद नए प्रोडक्ट को अगला एंजाइम को दे देता है, तो ये जो है वो मेटाबॉलिक सिलसिले की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। यूजेस ऑफ एंजाइम है जी, यूजेस ऑफ एंजाइम देख लें, अगर है तो पढ़ लेते हैं, देखिए आपकी बुक में निशान लगा हुआ है, लगा हुआ तो पढ़ लेते हैं छोटा सा है ये, चलो मैं क्विकली बताया तो दो लाइनें कौन से ज्यादा है, एंजाइम को जो फूड इंडस्ट्री में आप बड़े मालिक्यूलों को तोड़ के छोटे मालिक्यूलों में तब्दील करते हैं, जैसे वाइट ब्रेड बंस वगैरह, इस रोटियां ये जो ब्रेड होती है और बन वगैरह नहीं है जी, इसके बाद कौन सा है, चलिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को देखते हैं, एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म यानी एंजाइम एक्शन का तरीकेकार कैसे जो एंजाइम एक्शन हो सकता है, तो दो तरीकेकार बयान किए गए हैं, एक तरीकेकार में ये बताया गया कि एंजाइम जो है वो फिक्स होता है और वो अपनी हालत को नहीं बदलता, उसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, और दूसरे में ये होता है कि एंजाइम अपने सब्सट्रेट के मुताबिक थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तब्दीली कर लेता है अपने अंदर, इसे कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, इसको हम एक ही करके देखेंगे, व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सब्सट्रेट, जब एंजाइम सब्सट्रेट के साथ जुड़ता है, अ टेंपरेरी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, तो आरजी एंजाइम कॉम्प्लेक्स सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनती, एंजाइम सब्सट्रेट से मिलता है तो एंजाइम और सब्सट्रेट आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ES,
कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम उस पर अमल करता है, जब वो जुड़ जाते हैं फिर वो अमल करता है, और फिर उसको तोड़ के एंजाइम प्रोडक्ट बना देता है, एंजाइम सब्सट्रेट को कन्वर्ट करता है, एंजाइम प्रोडक्ट बनाता है। तो इसी को उसने कहा व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सब्सट्रेट, जब एंजाइम सब्सट्रेट के साथ जुड़ जाते हैं, अ टेंपरेरी एंजाइम सब्सट्रेट, टेंपरेरी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फाउंड, तो एक आरजी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, एंड सब्सट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, सब्सट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। आफ्टर इट, इसके बाद द एंजाइम कॉम्प्लेक्स ब्रेक, वो टूट जाएगा, एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज, और एंजाइम और प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकल जाएंगे वहाँ से पाए, गलत हो जाएंगे। तो ये ई प्लस एस, ये ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जर्मन केमिस्ट कहते हैं एंजाइम एक्शन को बयान करने के लिए, जर्मनी का एक केमिस्ट था, केमिस्ट्री वाला साइंसदान था, एमल फिशर, इन 1894 प्रपोज अ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल से क्या मुराद है, जिस तरह हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह हर प्रोडक्ट के लिए, हर सब्सट्रेट के लिए लहदा से एंजाइम होगा, ये वो कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सब्सट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप्स, उनकी शक्लें मखसूस होनी चाहिए, दैट फिक्स एग्जैक्टली इन टू वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली जुड़ जाएँ। दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ये मॉडल एंजाइम की मखसूसियत को बयान करता है। उर्दू में भी देख लेते हैं, जब एक एंजाइम सब्सट्रेट से जुड़ता है तो एक आरजी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ई एस कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसके बाद एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है, कैटलाइज करने का मतलब तेज करता है, रिएक्शन करवाता है, और सब्सट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, कॉम्प्लेक्स टूटता है और एंजाइम और प्रोडक्ट आज़ाद हो जाते हैं। तो एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स और ई प्लस पी, यानी एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत के लिए एक जर्मन केमिस्ट एमल फिशर ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम और सब्सट्रेट दोनों की अशकाल मखसूस होती हैं और दोनों एक दूसरे में मुकम्मल फिट होते हैं। इस मॉडल से एंजाइम के मखसूस होने की वजाहत मिलती है। दूसरा मॉडल जो है वो 1958 में जर्मन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड ने पेश किया था, और उसने कहा था कि मॉडल में एक तब्दीली तजवीज़ की और इंड्यूस फिट मॉडल पेश किया। इंड्यूस होता है किसी की तरफ देख कर तब्दील हो जाना, इंड्यूस का मतलब है किसी की तरफ देख कर तब्दील हो जाना। तो इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड एक बेलचक साख्त नहीं है, यानी वो तब्दील हो सकती है, बल्कि ये अपना काम करने के लिए उस शक्ल में ढल जाती है जिसकी ज़रूरत होती है। यानी पहले हमने कहा था एक्टिव साइड में जगह नहीं बदलती, शक्ल नहीं बदलती, फिक्स होती है, यहाँ पे हमने कहा कि वो अपनी शक्ल बदल लेती है। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड एक बेलचक साख्त नहीं है, बल्कि ये अपना काम करने के लिए उस शक्ल में ढल जाती है जिसकी ज़रूरत होती है। एंजाइम एक्शन का इंड्यूस फिट मॉडल लॉक एंड की मॉडल की नस्बत ज़्यादा काबिल कबूल है, ये ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, और बहुत सारी मिसालें इसकी ज़्यादा पाई जाती हैं। लॉक एंड की मॉडल की बहुत कम मिसालें हैं, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल की मिसालें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी, इसीलिए ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा मॉडल तसव्वुर किया जाता है लॉक एंड की मॉडल की नस्बत। लॉक एंड की मॉडल में चूंकि उसने कहा फिक्स होती है, लेकिन बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एंजाइम जो है वो अपनी शक्ल बदलता रहता है और अपने सब्सट्रेट के मुताबिक रीअरेंज कर लेता है, एक्टिव साइड को रीअरेंज कर लेता है। इस लिहाज से लॉक एंड की मॉडल ज़्यादा बेहतर है इंड्यूस फिट मॉडल की नस्बत, इंड्यूस फिट मॉडल बेहतर है लॉक एंड की मॉडल की नस्बत। इसको हम पढ़ लेते हैं। इन 1958 1858 में एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड सजेस्टेड ए मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल, उसने लॉक एंड की मॉडल में एक मॉडिफिकेशन तरमीम पेश की, एंड प्रपोज इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल उसने पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड इज़ नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइड एक मखसूस सख्त चीज़ नहीं है, रादर इज़ मोल्डेड इंटू, हत्ता कि उसका ढांचा इस तरह का मोल्ड का तो ढांचा बन जाना, इंटू द रिक्वायर्ड शेप, वो मखसूस ज़रूरत के तहत अपनी मतलूबा शक्ल में तब्दील हो जाती है टू परफॉर्म इस फंक्शन अपना काम करने के लिए। इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल, वो ज़्यादा काबिल कबूल है देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन के लॉक एंड की मॉडल की नस्बत। तो इंड्यूस फिट मॉडल लॉक एंड की नस्बत ज़्यादा बेहतर है। उसे पूछ लिया जाए कौन सा वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर है, तो आप कहेंगे लॉक एंड की मॉडल की नस्बत इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा बेहतर है, या इंड्यूस फिट मॉडल सुपीरियर है लॉक एंड की मॉडल के लिहाज से, यही हमने बताना है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा रिएक्शन इंड्यूस फिट मॉडल के लिहाज से होते हैं और कम रिएक्शन जो है वो लॉक एंड की मॉडल के लिहाज से होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इंड्यूस फिट रिएक्शन जो है वो ज़्यादा, इंड्यूस फिट मैकेनिज्म ज़्यादा बेहतर है, मॉडल ज़्यादा बेहतर है दूसरे के। इस पर इसके बाद कौन सा टॉपिक है, ठीक है।